कर्नाटक में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता सूची में नाम नहीं पाए जाने की वजह से जेडीएस उम्मीदवार अब्दुल जाफर अली का नामांकन पत्र चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। अब शिवाजी नगर विधानसभा सीट पर मुकाबला मौजूदा कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद और बीजेपी के एन चंद्रा के बीच रह गया है। ये सीट पहले कांग्रेस के रोशन बेग के पास थी, जिन्हें घोटाले के बाद पार्टी से बाहर कर दिया गया। उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बेग को अयोग्य ठहराए जाने के बाद रिजवान अरशद ने 2019 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। People want to continue. People want us to continue the development. So they are helping us and dressing us to win once more. बीजेपी के उम्मीदवार एन चंद्रा कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। वह चुनाव जीतने के लिए पार्षद के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 700 घरों के निर्माण के अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहे हैं। पार्टी तमिल मतदाताओं को टारगेट करने पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि यहां इनकी आबादी करीब 15% है। कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद लगाए है, जो अनुमानित आबादी का 40% हिस्सा है। पार्टी बुला के नहीं, हम लोग जाके उधर काम किए, उसके बाद में पार्टी ने मौका दिया है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कितने अरसे से आप पार्टी के फंक्शनरीज रहे हैं सर? मैं पार्टी में एक साल से काम कर रहा था, इसलिए मेरे को टिकट दिया गया। आपको आपको उम्मीद है कि आप यहाँ से जीत जाएंगे? बहुत बहुत लंबे मार्जिन से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश नेंडुगाड़ी बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए विकास समर्थक और स्वच्छ छवि पेश करने पर फोकस कर रहे हैं। In Aam Aadmi Party, it's not like that. There is an independent team which looks at every single aspirant. They look at what they have done. They look at various criteria and they decide who should be the candidate. So you don't need to know anybody. You don't need to pay anything to get a ticket on the Aam Aadmi Party's for the Aam Aadmi Party. You have to show hard work. You have to show winnability. You have to show sincerity and honesty to be able to get that ticket. And that's what I think. I believe I have shown, and that's why I got the ticket from Aam Aadmi Party for Shivaji Nagar. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से नाम कथित रूप से हटाए जाने के खिलाफ रिजवान अरशद और दूसरे लोगों की याचिका पर सोमवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले 9 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।